हे व्हाट इज़ अप गाइस। तो कैसे हो सारे लोग। तो गाइस जैसे कि इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक बताने वाला हूँ कि गाइस जैसे कि आपको पता ही है, पिछले वीडियो के अंदर में मैंने बताया था पबजी मोबाइल एमुलेटर की बेस्ट सेटिंग जो कि आपको 60 FPS दे सके आसानी से एकदम आराम से। तो उस वीडियो के अंदर अभी मान लीजिए एक पार्ट वन है और एक पार्ट टू है। तो उस वीडियो के अंदर आपको मैंने जो बताया था ट्रिक, वो बहुत लोग काम किया, 80% लोगों का काम किया था और 20% लोगों का काम नहीं किया था। ये मैं पार्ट टू में लेके आया हूँ और उस वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था गाइस। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे कि यार काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। कोई लोग बोल रहे थे वर्क नहीं कर रहा है, इसके ऊपर और एक वीडियो निकालो। तो मैंने सोचा चलो और एक वीडियो हम निकाल देते हैं, तो मैंने ये पार्ट टू वीडियो निकाल दिया है। तो इसको सिर्फ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना गाइज। आप एंड तक जरूर देखेंगे तभी आपके अच्छे से 60 FPS देंगे और फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल नहीं होंगे गाइज। बहुत अच्छा गेम चलेगा, लाइक मेरा गेम तो बहुत अच्छा चलता है। आपको मेरे स्पेक्स देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, मेरे स्पेक्स एकदम लो एंड पीसी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी मैं गेम में हूँ, आपको गाइज आपके कंप्यूटर जाना है, माई कंप्यूटर में, उधर आपको करना है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज़ में आना है, अभी देख सकते हैं मैं दिस पीसी में प्रॉपर्टीज़ में, मतलब माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद आपको इधर दिख रहा है दिस सिस्टम, सॉरी एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइज, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको इधर परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो इधर आपको करना है सेटिंग में, ठीक है। अभी आप जैसे सेटिंग में जाओगे आपको क्या करना गाइज, आपको मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुके गाइज, ओके। तो आपको क्या करना गाइज आपको बता रहे, तो आपको जाना है एडवांस सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है गाइज चेंज में। आपको इधर दिख रहा है वर्चुअल मेमोरी, तो आपको अभी वर्चुअल मेमोरी का आपको बता रहे, तो बहुत पहले से लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आता था, वर्चुअल मेमोरी का प्रॉब्लम आता था, मेरे को खुद को आ रहा था। बट वर्चुअल मेमोरी आप जब सेट करते हो तो आपका लैग बहुत सॉल्व हो जाता है, बहुत ही मतलब बहुत सॉल्व होता है। मैंने ये खुद ने एक्सपीरियंस किया है जब मेरा विंडोज 7 था, अभी मेरा विंडोज 10 है। तो मैं बताऊँ अभी आपको क्या करना गाइज, अभी देखो मैं फर्स्ट ऑफ आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा पीसी है 4GB रैम वाला, आप देख सकते हैं 4GB रैम की मेरा मेरे पीसी में 4GB रैम है। तो इसके वो आपको एक कैलकुलेशन करना है, तो आपको क्या करना है, मैं अभी कैलकुलेटर सर्च करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक ये बता देता हूँ आपको क्या करना गाइज, 1024 × 4 करना है, ये देख सकते हो 4096, यानी कि जिसका 4GB रैम है उसके लिए 4096 वर्चुअल मेमोरी सेट करना है, और जिसका 8GB रैम है उसके लिए 1024 × 8 जितना होता है, मतलब 8192 उसको उतना सेट करना है। अभी 4096 आपको क्या करना है, एडवांस सेटिंग सिस्टम सेटिंग में जाना है, उसके बाद एडवांस में जाके सेटिंग में जाना है, उसके बाद एडवांस में जाके फिर से चेंज में जाना है। और इधर आपको दिख रहेगा जैसे टिक के ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज, तो इसको ऊपर आपको अनटिक करके कस्टम साइज करना है, और इसको आपको दोनों तरफ आपको डालना है 4096 4096। अभी ये मेरा एक्चुअल में सेट है पहले से ही, तो मेरे को नहीं करने का अभी। तो आपको ये करने के बाद आपको एक बार रिस्टार्ट मारना है, एक बार रिस्टार्ट मारने का आपको क्या करना है बता रहे, तो फिर से आपको आपका गेम ऑन करना है। आप जैसे ही सब सेटिंग सेट करते हो आपको आपका गेम ऑन करना है, यानी कि अभी देख सकते हैं मेरा, मैंने गेम ऑन कर दिया है अभी। अरे यार बहुत रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं लोग, ऐसे एक मिनट रुकिए, ओके। सो जैसे कि अभी मैं सेटिंग में सॉरी एमुलेटर पे आया हूँ मेरे पबजी मोबाइल के, तो आपको क्या करना है जब आपको बता रहे, तो आप इधर सेटिंग का ऑप्शन है, मेनू का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन अभी मेरे FPS कर, तो इन गेम तो बहुत अच्छे थे, अभी तो 35 दे रहे पर इन गेम बहुत अच्छे थे। आपको मेनू में जाना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है गाइज, ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइज, आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको आना है इंजन में, और जब आप इंजन में जाते हो तभी मैंने पिछले वीडियो के अंदर मेमोरी और प्रोसेसर आपको ऑटो रखने के लिए बोला था, पर इस बार आपको मेमोरी जो है वो आपको क्या करना बता रहे, तो जिसका गाइज है मतलब जिसकी रैम 4GB है उसको करना है गाइज 2048 MB सेव करना है, जिसकी रैम है गाइज 8GB उसको करना है 4096, ठीक है। इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं करना गाइज। जिसकी 8GB रैम है उसको करना है 4096 MB, और जिसका 4GB रैम है उसको कम इसको करना है 2048 MB, और इसको सेव कर देना है बस। आपके मैं बोल देता हूँ गाइज आपके 60 FPS देंगे। अभी मैं ट्रेनिंग मोड में जाके दिखा देता हूँ आपको कि मेरे 60 FPS देते कि अभी अभी फिलहाल तो लोडिंग में, जब मैं गेम में जाऊंगा तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि अभी कितने FPS दे रहे हैं। आपको बता देता हूँ गाइज, लाइक मेरे पिछले वीडियो के अंदर तो गाइज आपको पता ही चला होगा, पिछले वीडियो जिसने भी नहीं देखी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, तो जाओ और जल्दी से देख लो। ये वीडियो आपकी वर्क नहीं करे तो पिछले वाली वीडियो आपकी जरूर वर्क करेगी, ये मैं 100% बोलता हूँ। तो लाइक अभी देखो, अभी गेम लग गया, अभी आपको मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और आपको मैं बता, तो मेरे FPS देते हैं एकदम इजीली 60, ओके। तो 39 हो गए, 40 हो गए,
और मैं सेट प्रायोरिटी करूँगा तो और FPS अच्छे देने लगेंगे। अभी देखो गाइस क्या, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रहा हूँ तो आई थिंक ये 40 के आगे नहीं जा रहा है। हाँ बट जब मैं ऑफलाइन करता हूँ मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगाऊंगा लगे तो इस वीडियो के अंदर, बट कोई हमारे स्ट्रीम देखने के लिए आता है उसको पता चलता है मेरे 60 FPS आराम से रहते गाइज, तो आप उसको आराम से खेल सकते हो 60 FPS के अंदर। पिछले वाले मेरी वीडियो काम कर गई थी, बहुत लोगों ने बोला उनके 60 FPS दे रहे, तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको मज़ा आया होगा। और ये जो सेटिंग मैंने जो बताई आपको ये सिर्फ फॉलो करना है गाइज, बाकी कुछ नहीं करना है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, और हमारे हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं गाइज पबजी मोबाइल की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लाइव स्ट्रीम जब करेंगे तभी आप आ सकते हैं हमारे स्ट्रीमिंग में, हम सब गेम्स कस्टम सब करते हैं। तो चलिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।